हेलो क्लास 10, कैसे हैं? बढ़िया। सो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के बारे में आज बातें करेंगे हम, ठीक है? तो स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा चैनल केमिस्ट्री जिल्ला पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ में भी आते हैं। अगर किसी को कुछ बात नहीं समझ में आती है, कहीं कोई समस्या आती है, तो वो मुझसे फर्दर कंसिडर कर सकता है, बता सकता है, कह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सो आज का हमारा पहला लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो सारे लोग रेडी हैं? ओके, स्टार्ट करें। बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, पहली बात तो ये कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, ठीक है? और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि अराउंड 4000 ईयर्स एगो, लगभग 4000 साल पहले की बात है, नॉर्थर्न ग्रीस में एक पर्सन था जिसका नाम था मैग्नेस। एंड जिस सिटी में वो रहता था उस सिटी का नाम था मैग्नेशिया। तो दिस पर्सन मैग्नेस सेफर्ड इसका पूरा नाम था। ये जो पर्सन था मैग्नेस सेफर्ड, ये एक दिन क्या कर रहा था, हिली एरियाज पे, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं ना, वहां पर क्या कर रहा था, ये अपनी भेड़े चरा रहा था। भाई क्या कर रहा था, अपनी भेड़ चरा रहा था, ठीक है? ऐसे ऐसे भेड़ थी और इनको वो चरा रहा था, ठीक है? पर्सन मैग्नेटो सेफर्ड ये रहे। मैग्नेटो सेफर्ड भैया, इनको कई बार मैग्नेटो सेफर्ड भी कई किताब में लिखा है, तो मुझे अक्सर मैग्नेटो सेफर्ड ही याद आता है। तो ये जो पर्सन है, अब आप कहोगे कि सर इनकी गर्दन कैसे अलग है, चलो गर्दन जोड़ देते हैं, आवाज जा रही है ना सब तक, गर्दन को जोड़ दिया हमने। तो मैग्नेटो सेफर्ड अपने शिप्स को ग्रेस कराते हुए एक हिल की तरफ चढ़े। तो पहले के लोग जो थे ना, उनके जूतों में नीचे में क्या रहता था, आयरन नेल्स रहते थे, आयरन के नेल्स। तो आयरन नेल लगे हुए थे इनके जूतों में, और ये इस पहाड़ पे चढ़े जा रहे थे, शिप्स ऊपर जा रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इन्होंने देखा, इन्होंने महसूस किया कि इनका जो जूता था, जूता उसमें जो आयरन के नेल्स नीचे लगे हुए थे, वो आयरन के नेल्स की वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि जूता कुछ देर के बाद से इनका भारी होने लगा, धीरे 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 उसका वजन बढ़ने लगा। तो मैग्नेटो सेफर्ड परेशान हो गए, भाई क्या हो गया हमारे पैर में? तो एक जगह रुके, अपना जूता उतारा और देखा कि उसमें कुछ आ करके स्टोन्स स्टोन्स छोटे छोटे पत्थर चिपक गए थे। मैग्नेटो सेफर्ड बुरी तरह डर गए, और डर करके उन्होंने क्या किया, उनका जो सू था ना, उस सू को उन्होंने वहीं पर उतारा, और वहां पर उतार करके भाग गए। वो किधर भाग गए, अपने गांव की तरफ। गांव जाकर उन्होंने लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है भाई, और उस पहाड़ पे भूत रहता है, भूत। गांव वालों लगा कि ये मजाक कर रहा है, तो गांव वाले चेक करने के लिए गए और जाकर के देखा तो भाई वास्तविकता में उनके शूज के नीचे आयरन मिल्स में कुछ स्टोन्स आकर के स्टिक कर गए थे। तो गांव वालों को भी लगा कि भाई भूत है। अब जब तक देखो, जब फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया ना, उसके पहले जो भी फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमिना होते थे, उन सारी चीजों को भूत माना जाता था। जैसे मान लो तुम छत पे हो, और छत पे से तुम नीचे की तरफ, छत पे से तुम गिरे, तो गिरोगे तो नीचे ही आओगे ना, तो लोगों को लगता था कि भूत ने नीचे खींच लिया। अब तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, लेकिन बिफोर ग्रेविटेशनल फोर्स लोगों को ये लगता था कि भूत प्रेत ये सब नीचे लेकर के जा रहा है। तो सेम लाइक दैट,
मैग्नेटो सेफर्ड के गांव वालों को भी लगा कि भैया भूत आ गया अब तो यहाँ पर। धीरे धीरे बात फैल गई और अलग अलग लोगों तक पहुंची, है ना, ग्रेजुअली बातें जो थी। अब देखो गांव में कोई बात तो छुपती है नहीं यार, जानते ही हो, है ना, औरतों का काम क्या होता है। वेल सॉरी, तो बात पूरी तरह फैल गई, बात पूरी तरह फैली, फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, फिर धीरे 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 सिटीज तक बातें पहुंची। और जो समय के साइंटिस्ट लोग होंगे, उन लोगों ने आकर के भाई उस स्टोन्स के बारे में स्टडी किया और स्टडी करके ये बताया कि ये खास तरह का स्टोन है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पहले मैं नाम बता दूं कि मैग्नेट शब्द जो था वो इस नाम के बेसिस पर आया, मैग्नेस मैग्नीशिया। मैग्नीशिया शब्द से भी कई बार बोला जाता है कि मैग्नेट शब्द आया, कई बार ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेस वर्ड से मैग्नेट वर्ड आया, ठीक है। तो ये एक स्टोन था जिस स्टोन को नाम दिया गया स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन, स्पेशल स्टोन जिसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और ये जो स्पेशल स्टोन है ना, इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटाइट। फर्दर इस पे स्टडी की गई तो पता ये किया गया कि ये जो मैग्नेटाइट टाइप का जो स्टोन है, ये जनरली वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान बनता है। वॉल्केनोस वगैरह आते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, वो जो प्लेट्स जो होती है वो स्लाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, कई बार वो कन्वर्ज हो जाती है, ऐसे 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 कई बार वो कन्वर्ज हो जाती है ना, कई बार वो डाइवर्ज हो जाती है, सॉरी ऐसे कई बार कन्वर्ज हो जाती है, कई बार ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। तो कन्वर्जन डाइवर्जन के दौरान कई बार दोनों प्लेट्स के बीच में गैप छूट जाता है, तो गैप में से फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनोस निकलते हैं। तो उसी टाइम पे ना वोल्केनो अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर कुछ स्टोन्स जो थे उनके अंदर कुछ स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी आ गई और उन स्टोन्स को बोला गया मैग्नेटाइट, ठीक है। सो दिस मैग्नेटाइट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। ये जो था ये मैग्नेटाइट आयरन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। कई बार इसको और आयरन हाइड्रोक्साइड कई बार बोलते हैं, मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड भी जो होता है उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। लेटर ऑन इस तरह के स्टोन्स जो थे, जो स्पेशल काइंड के मैग्नेटाइट जो स्टोन्स की बातें कर रहे हैं हम, इस तरह के स्टोन्स जो थे वो बाद में चाइना में भी पाए गए, चाइना जहां से आया है कोरोना वायरस, तो चाइना में भी पाए गए भैया स्पेशल तरह के स्टोन, जिसको नाम दिया गया, चाइनीज लोगों ने उसको नाम दिया लोडस्टोन। लोडस्टोन एक ऐसा स्टोन जिसके ऊपर कुछ लोड है और उस लोड की वजह से वो अट्रैक्ट होता है। किधर अट्रैक्ट होता है, आयरन की तरफ, निकल की तरफ, कोबाल्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट। नाम कहां से आया, मैग्नेस या फिर मैग्नीशिया, दोनों से आप बोल सकते हो। 4000 ईयर से होगी बात है, भेड़ चला रहे थे, पूरी कहानी बता दी। स्पेशल स्टोन मैग्नेटाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन ऑक्सीजन और आयरन हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। लेटर ऑन चाइना में पाया गया और चाइना में इसको नाम दिया गया कोरोना वायरस। अरे भैया लोडस्टोन नाम दिया गया, रफ करें, हाँ ठीक है रफ कर देते हैं, इसमें तो सर कुछ नोट करने वाली बात है नहीं, जो भी बताया आपने उसमें कुछ भी नोट करने लायक नहीं, कोई बात नहीं, अब आगे जो पढ़ाएंगे उसमें नोट करने लायक चीजें आपको मिलेंगी भैया, मिलेंगी तो आप नोट करिएगा। तो पढ़ाई कहीं चल रही है या फिर बस सो रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, इतना ही बस हो रहा है। देखो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, देखा होगा तुमने, हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान कैसे पढ़ाई करें, इस पे मैंने बातें की थी, कुछ चर्चाएं हुई थी हमारी, आप लोग उस वीडियो को देखें, समझे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट जो है ना वो तीन मैग्नेट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं बार मैग्नेट, क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। एक को बोलते हैं बार मैग्नेट, एक को बोलते हैं हम हॉर्सू मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, और तीसरे प्रकार के मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इस चैप्टर की जान होगी, जान क्या होगा, जान। तीन तरह से ये डिवाइड है, बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, तीनों के तो डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, बट आपको बार मैग्नेट दिखाएं, बार मैग्नेट ऐसा होता है बच्चों, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। हॉर्सू मैग्नेट किस तरह का रहता है, हॉर्सू मैग्नेट कुछ इस तरह से रहता है, घोड़े की नाल की तरह रहता है, ये नॉर्थ ये साउथ, इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे 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 होते हैं,
बातें करेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनोइड के जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, कुछ इस तरह का रहता है जिसमें हम सेल लगाते हैं जिसकी वजह से फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो कुछ ऐसा है, बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तीन तरह के मैग्नेट है अपने पास। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है बार, हॉर्सू और इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो आई मस्ट टेल यू कि हर एक मैग्नेट का, एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स। हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं बच्चों, टू पोल्स, एंड दैट इज व्हाट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये होता है, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो, चार्ज की डेंसिटी नॉर्थ पोल पे ज्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन की, और साउथ पोल पे रहती है प्रोटॉन की। आई मीन पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी साउथ पोल पे ज्यादा रहती है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी नॉर्थ पोल पे ज्यादा रहती है। इसी वजह से ये रीजन है कि दूसरा कोई मैग्नेट आता है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। मतलब खेल पूरा चार्ज का ही है, कुछ और नया खेल नहीं है, खेल पूरा का पूरा चार्ज का ही है, नथिंग इज न्यू। व्हाट द पॉइंट, सबको आवाज जा रही है मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बात करते हैं कि इसमें देखो, कोई भी मैग्नेट हो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल, डाइपोल का क्या मतलब है? डाई मतलब दो और पोल मतलब, समझ रहे हो आप, नॉर्थ साउथ, मतलब दो पोल होते हैं हर एक मैग्नेट के पास। एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल। ओके, एंड मैग्नेट हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। हर एक मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विथ द फील्ड ऑफ अनदर मैग्नेट एंड गेट्स अट्रैक्टेड और रिपल्स्ड। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना क्या लिखा है बड़े प्यार से। डाइपोल मतलब दो पोल, मैग्नेट हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट, हर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ कुछ। एवरी मैग्नेट हैव सम सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, उसके अराउंड में, मैग्नेट के अराउंड में होती हैं। ठीक है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एरिया बनाती है। फील्ड समझ रहे हो ना, अपना एक एरिया जो होता है, हर एक चीज का अपना एक एरिया होता है। जैसे मेरा जो एरिया है, दैट इज सलेमपुर है ना, तो ये मेरा एक फील्ड है। फील्ड तो तुम भी जहां रह रहे होगे वहां पर तुम्हारे आसपास तुम्हारा फील्ड होगा, तो 4-10 लोग तुमको जानते होंगे। उसी तरह मैग्नेट के अराउंड में उसका फील्ड होता है भैया, है ना। तो अपने फील्ड से जब वो किसी दूसरे मैग्नेट के फील्ड के साथ इंटरैक्ट होता है, जब कोई मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट होता है, तो या तो वो मैग्नेट उस मैग्नेट की तरफ, जो दूसरा वाला मैग्नेट है, लेट से कि मेरे पास दो मैग्नेट है, एक और मार्कर था पता नहीं किधर है वो, तो एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, लेट अस सपोज। ठीक है, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होगी ना, तब ये मैग्नेट इसके साथ अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल्स होगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, यहां भी नॉर्थ पोल है, तो रिपल्स हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो रिपल्सन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। बात समझ में आ गई सबको? अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पता करेंगे हम, हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये बात ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग।
हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे जानेंगे? तो मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज अवर बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। आपको करना क्या है, आपको बेटा एक लेना है क्या, मैग्नेटिक कंपास लेना है। क्या लेना है आपको? मैग्नेटिक कंपास। बच्चों ये मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो किस तरह का होता है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैग्नेटिक कंपास जनरली किताबों में इस तरह से बनाया गया रहता है, ये लाइन मिटा दें यार, मेरी आदत है हर जगह लाइन खींच देना ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया, इसको चारों तरफ से शीशे से बंद कर देते हैं हम। यू नो व्हाट, क्यों शीशे से बंद करते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक जो कंपास होता है ना, इसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये बहुत मतलब फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस, बहुत कम फ्रिक्शन है इसका, बहुत कम फ्रिक्शन। तो थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना तो फिर ये इधर उधर डिफ्लेक्ट करने का, भागने लगेगा। और हम चाहते हैं कि भैया इधर उधर ना भागे, समझ रहे हो, हम चाहते हैं कि इधर उधर ना भागे। तो अगर हम ऐसे चाह रहे हैं कि ये इधर उधर ना भागे, तो हमने इसको शीशे से कर दिया पैक, इसको पैक कर देंगे तो फिर कितनी भी हवा चले नहीं लेगा, समझ रहे हो। तो ये जो एरो हेड होता है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, जो टेल हो रहा है ये साउथ पोल है। देखो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो अपने आप में एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, ठीक है। तो अगर वो मैग्नेट है तो जन्मीन सी बात है कि उसका नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो इसका भी नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, तो ये जो एरो हेड है ना, इसको हमने नॉर्थ पोल बोला और इसको हमने बोला साउथ पोल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का, इस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है कि अपोजिट पोल्स हैं, तो अपोजिट पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये साउथ पोल जब नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह की रही, बात समझ गए। उसके बाद फिर मैं कहूं कि ये मैग्नेटिक नीडल उठा करके मैंने कहां रख दी, चलो नीचे समझाते हैं, नीचे ज्यादा अच्छा रहेगा, जगह अपने पास है, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद मैंने एक और मैग्नेटिक नीडल रखा, तो वो ऐसे हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक और मैग्नेटिक नीडल रखा, ये ऐसे हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। फिर एक और मैग्नेटिक नीडल, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ऐसे करके देख रहे हो, ये एक फील्ड बना ली, ये ऐसी ऊपर में एक फील्ड बनेगी। फिर मान लो यहां से ऐसे 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 करके एक फील्ड बनेगी, मतलब यहां पर तुम रखोगे तो क्या होगा, यहां पर होगा नॉर्थ पोल, यहां होगा साउथ पोल, फिर यहां होगा क्या होगा, नॉर्थ पोल, यहां पर होगा साउथ पोल, फिर यहां क्या होगा, नॉर्थ पोल, फिर होगा साउथ पोल, फिर यहां क्या होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर यहां क्या होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आ रही बात समझ में, या फिर मैं सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल बोले जा रहा हूं? आ रही है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। वाह, इस तरह से बनेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, इस तरह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लाइन्स होंगी इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, समझ गए। हर एक मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी समझ रहे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज्यादा होंगे। और अगर मैग्नेट वीक है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम होंगे, उनके बीच में डेंस और लेस डेंस होंगे, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां। और जो स्ट्रांग होगा वो कैसे रहेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर जस्ट उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे 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 करके। तो यहां से तुमको समझ में आया क्या कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? सो लुक एट हियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अराउंड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लिख दूं यहां पे, अराउंड अ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेट के अराउंड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ होता है, समझ गए। नॉर्थ पोल से किधर होता है, साउथ की तरफ, अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड, ठीक है। एंड इनसाइड अ मैग्नेट, यहां साइड में लिखते हैं, यहां पर देखना, एंड इनसाइड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अंदर, इनसाइड अ मैग्नेट द डायरेक्शन इज, द डायरेक्शन इज ऑलवेज, द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन कहां से कहां होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। आई बात समझ में, देखो यहां से ये ऐसे जा रहा है तो ये वापस ऐसे आ रहा होगा ना, समझ गए। फिर ये यहां से ऐसे जा रहा है तो वापस ऐसे आ रहा होगा ना, मतलब इधर देखो, इधर
इधर क्या होगा साउथ से नॉर्थ, और इधर क्या होगा नॉर्थ से साउथ। तो एक मैग्नेट के अराउंड में डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ रहता है, और इनसाइड अ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इतनी बात क्लियर है तो फटाफट छाप लें। छाप लें का मतलब समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट ले लो, फटाफट फटाफट। ओके आ गया, रफ कर दूं। ठीक, बहुत तेजी रहती है सर आपको रफ करने की, बिल्कुल रहती है यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और ऊपर से जब वीडियो बनाते हैं ना तो पंखे वंखे बंद करने पड़ते हैं, तो ये दिक्कत है अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या। वेल, फिर भी गर्मी में जीते मरते हुए बना ही देते हैं यार, अब आप लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, है कि प्यारे 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 अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम लोग, हैं बस एक गलत काम करते हो क्या, कि वीडियो जो होता है उसको पूरा नहीं देखते, आधे में देख के भाग जाते हो। अब आधे में देख के भागो तो कैसे सीखोगे यार, आधे में से देख करके भागेंगे तो कैसे सीखेंगे। अभी मैं क्या करूं आपको कि फिफ्थ क्लास से सीधे टेंथ क्लास में पहुंचा दूं, हैं, फिफ्थ क्लास से सीधे टेंथ क्लास में पहुंचा दूं, तो आप सीख जाओगे टेंथ के कंसेप्ट, नहीं सीख पाओगे ना यार, सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है ना, और साथ में कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है। आप लोग आधे वीडियो देखोगे आधे में भाग जाओगे, सर बकवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको खुश करने के लिए, ताकि आप लोग वीडियो पे बने रहें, थोड़ा बहुत मजाक करते रहते हैं, नहीं तो फिर तुम्हें बोर होने लगेगा, है ना, क्लास में तो पढ़ते नहीं हो, वीडियो पे क्या क्या पढ़ोगे तुम, हम समझ रहे हैं कितना पढ़ते हो तुम लोग, लेकिन कोशिश रहती है कि मैक्सिमम चीजें बता दें, मैक्सिमम चीजें आपको समझा दें। ठीक है, ज्यादा बातें हो गई, टॉपिक पे आए, बैक टू द टॉपिक, बार बार कैमरा देखना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यू नो व्हाट, एक बहुत बड़ी समस्या। खैर, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सवाल ये है कि कैन, दिखाई दे रहा है सबको, ओके, सवाल ये है कि कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट ईच अदर, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती हैं, सवाल है ये, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कट किएगा लिखते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, सो द आंसर इज, आंसर इज, बोलो बोलो बोलो, नो इट कांट, और एक चीज लिखते हैं दे कांट, नहीं कर सकते वो, सवाल ये है कि क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन इज व्हाई, मेरी बात सुनना, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां हमने मैग्नेटिक नीडल लिया, इसको बोला नॉर्थ पोल, इसको बोला साउथ पोल, अब मेरी बात सुनना, अगर मैं कहूं कि हमारी हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और वो कट कर रही है एक दूसरे को, कट कर रही है, लेट्स सी क्या होगा कट करने पर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जाहिर सी बात है कि यहां एक मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक नीडल, तो ये नॉर्थ पोल दिखा रहा होगा, ये साउथ पोल दिखा रहा होगा। अब अगर मैंने दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले ली जो जाकर के इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहां कट कर गई, यहां कट कर गई, समझे, तो यहां अगर ये कट कर गई तो ये वाला जो नीडल है तुम्हारा, इसके अंदर ये जो नीडल है, इसको एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे, समझ रहे हो बात को, अगर इसने कट कर दिया तो ये जो नीडल है तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल, इसको एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, एक तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा, एक तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा, एक इसके लिए दिखाना पड़ेगा, तब आप सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि एक मैग्नेटिक नीडल एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन शो करे, मतलब यही नीडल इधर भी नॉर्थ पोल को इंडिकेट करे और इधर भी नॉर्थ पोल को इंडिकेट करे सेम टाइम पर, इज इट पॉसिबल, कैसा पॉसिबल है कि मैं एट द सेम टाइम आपको पढ़ाऊं और एट द सेम टाइम मैं अपने घर पे रहूं, मतलब कोई काम कर रहा हूं, मतलब कहीं और हूं, मतलब दो जगहों पे एक ही टाइम पे मैं रह सकता हूं क्या? वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भूत नहीं हूं, इंसान हूं, तो मैं दो जगहों पे एक ही टाइम पे नहीं रह सकता, तो लाइक दैट मैग्नेटिक नीडल जो है वो एक टाइम पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, पॉइंट आउट करेगी,
मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाएगी, दो दो को नहीं दिखा सकती ना यार। अगर अगर इंटरसेक्ट करते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक नीडल एक ही टाइम पे दो दो डायरेक्शन को दिखाती। वेल ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वेदर अराउंड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट। चाहे आप मैग्नेट के बाहर की बात करो, चाहे आप मैग्नेट के अंदर की बात करो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपना आंसर यहां से मिल गया होगा, समझ में आ गया सबको। रफ कर दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये मुझे लगता है कि 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में। रिमेंबर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में। 2018 में भी आया था शायद, 2018 में नहीं 2020 चल रहा है ना, 2019 में आया था क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया था। क्या कट कर सकते हैं, उसके पहले भी आया कई बार आया क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, एवरीवन इज एबल टू सी 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 सी, ओके ओके ओके। डेट बीच बीच में स्पेस भी देखना पड़ता है फोन का, कितना स्पेस कितना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। बात सुनिएगा, ओस्टेड ने क्या कहा, ओस्टेड ने कहा, ओस्टेड का पूरा नाम था हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड। हो ओस्टेड ने ही गेव रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इन्होंने पहला, मतलब ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंटर रिलेट किया था। इन्होंने रिलेशनशिप दिया था, क्या रिलेशनशिप दिया था इन्होंने, इन्होंने बताया था कि विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म कैन बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म नाम की चीज जनरेट हो सकती है। ये ओस्टेड का कहना था, ओस्टेड का क्या कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म नाम की चीज जनरेट हो सकती है या फिर होती है। अब इनकी कहानी जल्दी बताएं हम आपको, कि ये एक दिन अपनी टेबल पे बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ कर रहे थे, ठीक है, इनके पास में सर्किट था, सर्किट ऐसे ऐसे सर्किट सर्किट बना रखा, सर्किट याद है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, सर्किट, ओ मेरे सर्किट सर्किट सर्किट, ऐसे ऐसे था। और यहां पर उन्होंने क्या कर रखा था, एक स्विच लगा रखा था, स्विच लगा रखा था, ठीक है। अब ये स्विच को क्या करते हैं रैंडमली, कई बार तुम लोग भी करते हो ना ऐसे ऐसे ऐसे, क्या होता है वाला, तुम पेन ले लेते हो पेन, तो उसको ऐसे कड़क 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 करते रहते हो, वाला एक तो पेन नहीं आता दबाने, कुछ सोचते रहते हो करते रहते हो, कुछ सोचते रहते हो करते रहते हो। और कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहते हैं ऐसे ही रैंडमली, तो वो भी सर्किट में स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ किए जा रहे थे। बगल में एक मैग्नेटिक नीडल था, आई मीन मैग्नेटिक कंपास था, और अचानक से उनकी नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्विच को ऑन करते थे तो मैग्नेटिक नीडल जो था डिफ्लेक्ट कर जाता था, फिर स्विच ऑन करते थे तो मैग्नेटिक नीडल जहां था वहां पहुंच जाता था, फिर ऑन करते थे फिर डिफ्लेक्ट, फिर ऑफ करते थे फिर वहां, अरे ये क्या हो रहा है, पहली बार ऐसा, मतलब किसी ने ऐसा रियलाइज किया था, किसी ने ऐसा फील किया था कि भाई जब हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा था। और उस टाइम ओस्टेड सोचने लगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो वहां से उन्होंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी इज इंटर रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से इंटर रिलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे करता है, हाउ। तो देखो इन्होंने क्या किया, ओस्टेड ने कहा कि लेट अस सपोज कि एक वायर है, वायर और यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मान लो कि अगर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, चलो ठीक है थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहां लिखते हैं साउथ पोल, यहां लिखते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है।
मैग्नेटिक कंपास लिया, ये मैग्नेटिक कंपास था जिसका साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ये करंट ऐसे जा रहा है। उन्होंने देखा कि जब मैं करंट को फ्लो करा रहा था, यहां वायर जो था वो ऊपर था, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर वायर रखा था, वायर वॉज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक कंपास, वायर वॉज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा था, ठीक है। और उन्होंने ये दो पोल्स लिए थे भैया, ये साउथ था ये नॉर्थ था, करंट ऐसे जा, जब करंट ऐसे गया, बात सुना, करंट कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे फ्लो किया। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल था ना, ये मैग्नेटिक नीडल हमने 2D बनाया, एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल कैसा होता है देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, मैग्नेटिक नीडल मतलब ये जो रखा है ना, ये कैसे रखा होगा, देखो ये वायर है, ध्यान से देखना, ये वायर है ऐसे, ऐसे ये वायर, वायर ठीक है, ऐसे वायर। और मैग्नेटिक नीडल कैसे है, मैग्नेटिक नीडल ऐसे ऐसे ऐसे, बात समझ रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, यहां कौन है नॉर्थ पोल, यहां कौन है नॉर्थ पोल, यहां कौन है साउथ पोल, यहां कौन है साउथ पोल, यहां कौन है नॉर्थ पोल, और करंट कैसे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, दिखाई दे रहा हूं मैं, ये दिखाई दे रहा है करंट कैसे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल यहां पर, ऐसे करके ऐसे, यहां नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल, यहां नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल, समझ गए, समझ गए, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि भाई करंट ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो उन्होंने एक चीज देखी, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने ये देखा कि जब करंट ऐसे फ्लो करा रहे थे ना, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल था ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब बात ये थी कि हाउ वी विल कम टू नो, हाउ वी विल कम टू नो द डायरेक्शन ऑफ, कम टू नो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अब हम भैया मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन के बारे में कैसे जानेंगे, किस डायरेक्शन में गया वो, किधर जा रहा। तो उन्होंने कहा कि जब आप करंट इधर से इधर फ्लो करा रहे हैं, करंट को आप इधर से इधर फ्लो करा रहे हैं, तो देखो ऐसे ये करंट ऐसे ऐसे, ये करंट जब आप ऐसे करा रहे हो, यहां नॉर्थ पोल है यहां साउथ पोल है, तो जो नॉर्थ पोल है ना, जो नॉर्थ पोल है वो किधर की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ पोल है ये किधर की तरफ जाएगा, बोलो 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 बोलो, ये नॉर्थ पोल जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, कैसे देखो, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ऐसे ये नॉर्थ ये साउथ। तो ये जो नॉर्थ है ना, ये ऊपर यहां पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऊपर नहीं, ये वायर ऐसे करंट ऐसे, समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा है और मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, तो ये जो नॉर्थ पोल है ना वो देखो किधर भागेगा, वो इधर जाएगा, इधर 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 बोर्ड में, बोर्ड में इधर, और साउथ पोल किधर जाएगा, इधर इधर, बात सुना, नॉर्थ पोल किधर जाएगा, इधर, और साउथ पोल किधर जाएगा, इधर, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, मैग्नेट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, ये ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। कैसे बताया उन्होंने, इसके लिए उन्होंने एक रूल दिया जिसको उन्होंने कहा स्नो रूल, कौन सा रूल, स्नो रूल, इसका नाम था स्नो रूल। देखो इसका क्या मतलब है, साउथ टू नॉर्थ, अगर आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो आप ओवर वेस्ट जाने वाले हो, किधर जाने वाले, ओवर वेस्ट, साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप ओवर वेस्ट, ओवर वेस्ट डायरेक्शन निकालो, सबको पता आता है, ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है, हमारे राइट हमारा ईस्ट होता है, हमारे लेफ्ट हमारा वेस्ट होता है, तुम्हारे लिए उल्टा हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, देखो देख, नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, हमारे राइट हमारा ईस्ट, हमारे लेफ्ट हमारा वेस्ट, ऊपर क्या। अब इसको मैं कैसे घुमाऊं, देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, इस साउथ को घुमा करके ऐसे यहां साउथ पहुंचाऊं और ये नॉर्थ घूम कर आएगा ऐसे, जब ये साउथ इधर जाएगा तो नॉर्थ इधर आएगा, तो वेस्ट किधर जाएगा, इधर, और ईस्ट किधर आएगा, इधर, बात समझ रहे हो, साउथ को घूम के किया इधर, नॉर्थ इधर आ गया ऑटोमेटिकली, तो वेस्ट पहुंचा यहां और ईस्ट पहुंचा यहां, सबको समझ आ रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साउथ से नॉर्थ ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ जा रहे थे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ,
ओवर वेस्ट का क्या मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है ये वेस्ट की तरफ भागेगा और साउथ पोल जो है वो ईस्ट की तरफ भागेगा, मतलब नॉर्थ पोल किधर घूम के जाएगा, इधर, नॉर्थ पोल किधर घूमेगा, इधर, और साउथ पोल इधर, समझ रहे हो ना, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, स्नो रूल, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। स्पेस चेक करें, 4.2 GB, ओके, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। अब अगर हम ऐसा कर दें, कैसा कर दें, अगर हम कहें भैया कि हम एक काम, अब देखो इनमें से अगर आप कोई भी चीज चेंज करते हो, जैसे मैंने यहां लिख दिया नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं ऐसे लिखूं नॉर्थ टू साउथ तो ओवर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ पर नॉर्थ टू साउथ तो ओवर वेस्ट ही रहेगा, सॉरी 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 नॉर्थ टू साउथ तो ओवर वेस्ट ही रहेगा। अगर मैं इसका एक टर्म चेंज कर रहा हूं, साउथ की जगह मैं क्या ले रहा हूं, नॉर्थ ले रहा हूं, देखो यहां साउथ से नॉर्थ जा रहे थे तो ओवर वेस्ट हो रहा था, अब क्या करेंगे, नॉर्थ टू साउथ जाए तो ओवर वेस्ट ही जाएगा, ओवर वेस्ट ही जाएगा, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, क्या क्या क्या, आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर देना, व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब पहले करंट इधर जा रहा था, अब करंट इधर इधर जाएगा, तो करंट अगर इधर जा रहा है तो तुम नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाओगे तो ओवर फिर नॉर्थ, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल किधर है, नॉर्थ से तुम जब साउथ की तरफ जाओगे तो ओवर वेस्ट घूमेगा, कौन घूमेगा तुम्हारा ओवर वेस्ट में, नॉर्थ पोल घूमेगा या साउथ पोल घूमेगा, तो बेटा नॉर्थ पोल घूमने वाला है तुम्हारा, नॉर्थ पोल किधर घूमेगा, वेस्ट की तरफ घूमेगा, जब करंट इधर से इधर की तरफ जाएगा, मतलब करंट देखो, करंट अब इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है, तो ये किधर घूमने वाला है, ये तुम्हारा घूमेगा वेस्ट की तरफ, जैसे यहां पर घुमाया हमने वेस्ट की तरफ, वैसे तुम भी इसको घुमा करके कर सकते हो। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं नॉर्थ की जगह साउथ लूं, साउथ टू नॉर्थ ओवर ईस्ट लिख दूं, साउथ टू नॉर्थ ओवर ईस्ट, तो अगर दो टर्म चेंज कर रहे हो आप, देखो स्नो रूल में एस एन ओ डब्ल्यू में अगर तुम एक चेंज कर रहे हो, मतलब तुम डब्ल्यू की जगह तुमने ई लिया, मतलब वेस्ट की जगह तुम ईस्ट की तरफ जाना चाह रहे हो, वेस्ट की जगह किधर, ईस्ट की तरफ, तो तुम्हारा हो गया साउथ टू नॉर्थ ओवर ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ किधर हुआ, साउथ टू नॉर्थ ओवर ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ तुम कब जाओगे, जब तुम करंट का डायरेक्शन बदल दोगे, ऐसे कर दोगे, तो साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ओवर किधर जाने लगेगा, वो ईस्ट की तरफ, देखो अभी हम किधर जा रहे थे, वेस्ट की तरफ जा रहे थे, हमारा नॉर्थ पोल किधर घूम रहा था, वेस्ट की तरफ, और जब तुम साउथ टू नॉर्थ जाओगे और ओवर ईस्ट करोगे तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कर दूं नॉर्थ टू साउथ ओवर वेस्ट, अगर नॉर्थ से मैं जाना चाह रहा हूं किधर की तरफ, साउथ की तरफ, तो फिर से नॉर्थ पोल किधर घूमेगा, वेस्ट की तरफ घूमेगा, वेस्ट की तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, नॉर्थ पोल किधर घूमेगा, वेस्ट की तरफ घूमेगा। तो ये एक रूल था, हालांकि तुम ये सब मत याद रखो, तुम बस एक सिंपल सी चीज याद रखो कि स्नो रूल की बातें हम कर रहे हैं, स्नो रूल क्या बोल रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ओवर वेस्ट कौन घूमेगा, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल घूमेगा, मैग्नेटिक नीडल का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल घूमेगा, ठीक है। अब इसमें एक और रूल आता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल, क्या बोलते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। एम्पियर स्विमिंग रूल एक और रूल है जिससे आप निकाल सकते हो कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में घूमेगा। यहां मान लो मैंने एक बंदा ले लिया और इसको यहां पर लेटा दिया, ये बंदा है वायर के ऊपर लेट गया, देखना ये रहा, ये वायर है, इसके ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ, ये बंदा लेटा हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल, यहां क्या है, साउथ पोल, नॉर्थ साउथ। अब ये बंदा जो है वो स्विमर है, ये इस तरह से लेटा हुआ है ना कि इसके पैर में से करंट घुस रहा है और इसके सिर में से करंट निकल रहा है, इसके पैर में से करंट घुस रहा है और इसके सिर में से करंट निकल रहा है। और अब ये जब तैरेगा, स्विमर है भैया, तैरेगा, करंट जो है फ्लो कर रहा है तो ये तैरेगा, मान लो कि करंट नहीं है, वाटर करंट है, तो वाटर करंट में ये तैरेगा ना, तो जब ये तैरेगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड का जो मोशन होगा ना, लेफ्ट हैंड, अब ये तैरते हो तो कैसे तैरते हो, थोड़ा ध्यान देना, ये लेफ्ट हैंड ऐसे और ये राइट हैंड ऐसे, ये लेफ्ट हैंड ऐसे, ये राइट हैंड ऐसे, ऐसे मारते हो ना तैरते टाइम, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, लेफ्ट हैंड, तो इस लेफ्ट हैंड के मोशन का जो डायरेक्शन होगा ना, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे। देखो मैंने बताया ना कि ये है तुम्हारा वायर जिससे करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो हमने बताया था कि नॉर्थ इधर घूमेगा, साउथ इधर घूमेगा, तो स्विमर है, स्विमर भैया तैर रहा है, तो उसका ये
लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन देखो इधर इधर जा रहा है, मतलब नॉर्थ पोल घूमकर इधर जाएगा, और राइट हैंड का जो डायरेक्शन है वो इधर, मतलब साउथ पोल घूमकर इधर जाएगा। तो एम्पियर स्विमिंग रूल से भी आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है तुम्हारा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल बेटा जाता है इधर, साउथ पोल आता है इधर। अब आप इसका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। करंट बढ़ा दोगे तो ये मैग्नेट ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो बहुत तेजी से घूमेगा, ज्यादा घूमेगा, ज्यादा एंगल पे घूमेगा। करंट का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो कम एंगल पे घूमेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, कम रहेगा तो थोड़ा सा घूमेगा। समझ गए? तो ये थी कहानी छोटी सी। ओस्टेन ने बताया कि भैया करंट की वजह से मैग्नेट में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बाकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया करे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि एक छोटे मोटे कमेंट कर दिया करो। कमेंट पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता है, कई बार बात को मैं बोल चुका हूं, ठीक है? तो अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी किया करें यार, वहां 40-40 मिनट का वीडियो देख लेते हो लेकिन तुमसे एक कमेंट नहीं होता, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती ही होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन एक छोटा सा कमेंट है, ठीक है? सो ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, इतना समझ में आया तो फीडबैक जरूर देना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।